अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग ना बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि आज का व्लॉग जो है दावत पे बना रही हूँ मैं। ये जो दावत थी ना, दरअसल 2-3 दिन से मेरी बहनें आने लगी हुई थी, भाई बहन के हम आने वाले, फिर उन्होंने सडनली कैंसिल कर दिया। तो ये हुआ कि वो लोग नहीं आएंगे। फिर ये कुछ संडे के दिन ये लोगों ने मुझे 3 बजे कॉल किया कि हम आ रहे हैं। तो अब जब वो लोग आ रहे थे तो मैंने सोचा लाओ कुछ फटाफट बना लेते हैं। तो यूँ था कि देखो, दावत में ना हमारे जो मेन्यू होती है, सबसे पहले अगर वो प्री डिसाइडेड होता है ना तो सब कुछ अच्छा जाता है, लेकिन अगर अचानक बनाना होता है ना तो काम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे वक्त में मैंने सोचा कि चीज़ें वो बनाओ जो जल्दी बन जाए, झटपट हो और खाने में भी मज़ा आ जाए, है ना, कि हमारे जो मेहमान हैं वो भी खुश हो जाए। तो मैंने सोचा ये साथ ही साथ ना इसके साथ मैं व्लॉग भी बना लूँगी तो आपसे शेयर कर दूँगी। तो चलिए, अगर आपके घर में कोई इस तरीके से अचानक मेहमान आ जाए तो आप किस तरीके से उसे अरेंज करें, है ना। तो ये देखिए मैंने क्या किया था, यहाँ झटपट से मीठा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने सोचा कि मीठे में क्या करूँ, क्योंकि इससे क्या होता है कि जब भी आप मीठा बनाते हैं तो आप इसे बना के आराम से फ्रिज में रख दें और उसके बाद अपने सारे काम कर लें, तो आपके जब तक बाकी की रेसिपी बनती रहेगी ये एकदम अच्छे से ठंडा हो जाएगा, और जब सही तरीके से ये ठंडा हो जाएगा ना तो खाने में इसको और भी मज़ा आ जाता है। तो इसके लिए ना मैंने फटाफट दूध को गर्म कर लिया, सेवई थी यहाँ पर, सेवई भूनने के बाद दूध डाला, शक्कर डाला, थोड़ा सा कंडेंस मिल्क सबको डालने के बाद अच्छे से एक हमें इसे मिक्स कर लेना है कि जो नीचे है जलेना, ठीक है। उसके बाद शक्कर डाल के आपका जो मीठा है वो एडजस्ट कर लें कि कितना आपको मीठा रखना है। ये जो मैंगो पल्प है ना, ये फ्रिज में मेरा स्टोर रखा हुआ था तो मुझे टेंशन नहीं था, मैंने फटाफट इसे निकाला और इसे भी डाल दिया। तो ये देखिए सारी चीज़ें डालने के बाद ना अच्छे से मिक्स करके आपको ठंडा कर लेना है। यहाँ पर ना सर्विंग बॉल लेके आप इसे एक लेयर लगा देनी है, उसके बाद आप मन चाहे ड्राई फ्रूट्स या फ्रूट्स आप डाल के इसे डेकोरेट कर दिए। ये वाली रेसिपी ना मैंने पहले भी आपसे शेयर की है तो इसलिए मैं इतना ज़्यादा डिटेल नहीं बता रही हूँ। आप चाहे तो जाके मेरी पहले की जो वीडियो वो देख लें, उसमें पूरी डिटेल रेसिपी है, ठीक है। बस उसके बाद ना आप इसको अच्छे से दिखने के लिए, मतलब एक अच्छा लुक आने के लिए ना, ऊपर से मैंने ये रखी हुई खोए वाली मिठाई थी वो डाल दी, आप चाहे तो खोया डाल दें, ठीक है। उसके बाद सेकेंड लेयर लगा देना है, उसके बाद बचा हुआ जो मेरा मैंगो पल था वो मैं ऊपर से डाल दे रही हूँ कि ये इसका लुक और भी अच्छा हो जाए। बाकी का आप चाहे तो इस पर जो चाहे वो डाल दें, आप चाहे तो इसमें और अच्छा खूबसूरत दिखने के लिए यहाँ पे खोया डाल दें और ड्राई फ्रूट्स डाल दें, आप जो आपको डालना है आप डाल सकते हैं। तो ये देखिए मैंने सारी चीज़ों को डालने के बाद ना अब इसे फ्रिज में रख दूँगी, जब तक ये ठंडा होगा मेरे बाकी के जो काम हैं वो भी हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसे अच्छे से मैंने सेट कर दिया है, इसे फ्रिज में रख देती हूँ। और मेरी जो दूसरी रेसिपी थी आज की दावत की वो थी शामी कबाब। तो इसके लिए ना मैंने गोश्त को अच्छे से धो के रख दिए थे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है तकरीबन 1/2 किलो गोश्त, ये फ्रिज में मेरा रखा हुआ था पहले से, तो बस उसी को मैंने डीफ्रोज करके निकाल लिया था। उसमें ना मैं सारे खड़े मसाले डाल रही हूँ, ठीक है। उसके बाद ना 2 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था, और ये देखिए 1 चम्मच आप भर के डाल दें गर्म मसाला। अच्छा, गर्म मसाला ना बहुत से लोग ना बाद में डालना पसंद करते हैं, तो मैं यहाँ पर ना पहले 1 चम्मच भर के डाल रही थी, उसके बाद जो है बाद में भी मैंने थोड़ा सा डाला था। उसके बाद ये चने की दाल भिगा के मैंने रखी हुई थी वो डाल दी है, ठीक है। कटे हुए प्याज डाल देने हैं, लाल मिर्च डाल दें, आप चाहे तो जो मिर्च पाउडर होता है वो डाल सकते हैं। उसके बाद साबुत धनिया डालना है हमें और तेज़पत्ता। इन चीज़ों को डालने के बाद ना इसकी हमें सीटी लगा देना। पानी आप ध्यान रखिए कि बहुत थोड़ा सा पानी आप डालें, ये गीला ना जाए, और अगर गीला हो जाएगा तो आप इसे बाद में कुकर जब प्रेशर देने के बाद आप निकालेंगे ना तब सुखा लें, तो ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगा। तो मैंने बहुत थोड़ा सा पानी डाला है और इसे आपको प्रेशर दे देना है। अच्छा, यहाँ पे ना मेरा जब तक कबाब का काम हो रहा है मैं बाकी का काम कर लेती हूँ। ये देखिए चिकन जो है, तकरीबन 2 किलो चिकन था, इसे ना सबसे पहले आपको क्या करना है, आप कभी भी कोई भी काम करें ना, इसे पानी में भिगो के यहाँ पे मैंने सिरका और नमक डाल के रख दिया था ताकि इसके अंदर से जितना भी ब्लड है ना वो रिमूव हो जाए। तो आप देख सकते हैं मेरा चिकन बहुत अच्छे से साफ हो गया है, तो ये कभी भी काम ना पहले कर ले। तो इसी तरीके से मैंने चिकन को अच्छे से धो के उसका जो पानी है पूरी तरीके से निकाल दिया। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे मैंने लिया है 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है, और ये जो है ना चिकन टिक्का मसाला। तो यहाँ पे मैंने 2 छोटी छोटी पैकेट पूरी डाल दी थी, ठीक है। उसके बाद ना मेरे पास जो टिक्का मसाला रखा हुआ था ना वो भी मैंने इसमें शामिल किया था, ठीक है, वो मैं बाद में दिखाऊंगी। अच्छा, आज के वीडियो में ना कुछ चीज़ें वीडियो में आई है कुछ नहीं, क्योंकि इतना सारा काम था ना मेरे पास कि मैं क्या ही बताऊँ। तो मैं कोशिश कर रही थी कि सारी चीज़ों को बता सकूँ, लेकिन कभी कभी क्या हो रहा था कि मैं कैमरा ऑन करना भूल जा रही थी। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर ले लिया है, 1 चम्मच भर के मैंने यहाँ पर लिया था लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर। उसके बाद ये जो है
काश्मीरी लाल मिर्च का पेस्ट एक चम्मच डाल दिया था, ठीक है। अच्छे से अपने हाथों से मिक्स कर लेना है, क्योंकि ये जो मैरिनेशन वाला पार्ट होता है ना, बहुत ज़रूरी होता है। और आज ये जो मैं मैरिनेट कर रही हूँ ना चिकन, इसकी वजह ये है क्योंकि मुझे बनाना था चिकन टिक्का बिरयानी। तो टिक्का बिरयानी बनाने के लिए जो आपका जो चिकन टिक्का है ना, वो बहुत ही अच्छा से मैरिनेटेड होना चाहिए, तभी ये जो है बहुत जूसी बनेगा और बिरयानी में ना एक अपना अलग सा टेस्ट देगा। तो इसके लिए आप ये सारे काम ना पहले से करके रख दें तो बेहतर होगा। तो जब तक मेरा कबाब बन रहा था ना, मैं इसको अच्छे से मैरिनेट करके, ये देखिए आप देख सकते हैं कि रख दी। अच्छा, साथ ही में ना थोड़ा सा मैंने यहाँ पे दही फूड कलर भी डाला था, वो वीडियो में आना रह गया था, ठीक है। इन चीज़ों को अच्छे से डालने के बाद आप मिक्स करके इसे साइड में रख दें। अच्छा, यहाँ पे ना जो गोश्त है कबाब का, वो भी गल गया था। अच्छे से मैंने सबको पीस लिया था, वो वीडियो में लेना पॉसिबल नहीं हो रहा था क्योंकि काफ़ी लेंदी हो रही थी, तो मैंने सोच रहा कि जितना शॉर्ट हो सके उतना बता सकूँ। उसके बाद ना अब आपको प्याज कट करके डाल देना है, लाल मिर्ची डाल दिया मैंने पिसी हुई, और गरम मसाला। इन चीज़ों को डालने के बाद ना अच्छे से आपको मिक्स कर लेना, आप बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है आपको अपने हाथों से, ठीक है। उसके बाद अपने हिसाब से आप छोटा बड़ा, आपको जितने बड़े साइज़ के कबाब चाहिए उतने बड़े आप बना लें। तो मैं मेरे घर के हिसाब से जो मेरी फैमिली में पसंद करते हैं, मैंने उतना बनाया, देखिए ना ज़्यादा बड़ा है ना छोटा है, एक मीडियम साइज़ का। तो इस तरीके से सारे कबाब बना के रेडी कर लें और इसे भी आप साइड में रख दें। तो ये आपका काम एक और आसान हो जाएगा कि जब मेहमान आने लेंगे आप फटाफट तल लेंगे, तो आपका ये भी काम हल्का हो जाएगा। तो और कबाब ऐसी चीज़ें ना जो बहुत जल्दी से बन जाती है और बहुत कम गोश्त में बनती है, मतलब थोड़े से गोश्त में आप बहुत सारा बना सकते हैं और आपके मेन्यू लिस्ट में एक और चीज़ ऐड हो सकता है आराम से, है ना। तो चलिए, यहाँ पे करने के बाद ना मैं यहाँ पे कढ़ाई ले ली हूँ। माशाल्लाह चिकन काफ़ी ज़्यादा था और इसमें काफ़ी टाइम चला जाता है, तो मैंने सोचा इसे भी स्लो फ्लेम पे रख दूँगी तो ये काम भी मेरा आसान होता रहेगा। तो यहाँ पे ना मैंने ना 3 बैच में फ्राई किया था, तो आप अपने हिसाब से कर लें। तो ये देखिए, मैंने चिकन को पहले बैच का चिकन मैंने डाला और इसे दोनों साइड अच्छे से आपको सेक लेना है कि दोनों साइड ना अच्छा से सुनहरा कलर आ जाए। तो आप देख सकते हैं इसे हम डाल के कुछ देर के लिए मैंने इसे साइड में छोड़ दिया था, ठीक है। तब तक मैंने प्याज टमाटर ये सारी चीज़ें काट ली थी क्योंकि अभी बिरयानी का हमें सामान रेडी करना था। तो देखिए, आप कोशिश करें कि अपना काम ना इस तरीके से मैनेज करेंगे ना तो फटाफट हो जाएगा। ये सारी प्रिपरेशन ना मैं अकेले करी थी, कोई भी नहीं था। तो देखिए आप, मैंने कितने अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को मैनेज किया था और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत परफेक्ट उतरा था। आप यकीन मानिए, सब कुछ खाने में इतना बेहतरीन था ना, आप आगे खुद देखेंगे, आप लुक वाइज बता सकेंगे कि ये अच्छा है कि नहीं, ठीक है। खैर, यहाँ पे मेरी चिकन जो है ना अच्छे से, ये देखिए आप देख सकते हैं, फ्राई हो चुकी है। अब मुझे करना था बिरयानी का काम, तो मैं यहाँ पे ना तेल ली, एक बड़े से पतीले में मैंने तेल ले लिया है। उसके बाद साबुत जीरा, काली मिर्च और एक बड़ी इलायची, 2-3 तेज़पत्ता, दालचीनी, जो भी आपके पास खड़े मसाले ना वो आप डाल दें, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे 4 बड़े साइज़ के जो प्याज थे वो कट कर लिए थे। अब आपको ना इसे अच्छे से मसल मसल के डालना है ताकि इसकी हर कलियाँ अलग हो जाए। मैंने आपको पहले भी इसे बताया, जब आप बिरयानी वगैरह बनाया तो इस तरीके से प्याज को, ग्रेवी वगैरह में इतना टेंशन नहीं रहता है, इसमें आप बारीक काटे, मोटा काटे, कैसे भी काटे, पीस के डाल दे, सब चल जाता है। लेकिन जो बिरयानी या पुलाव, आप जब भी ये सारी चीज़ें बनाएं ना, आप प्याज को ना इस तरीके से कट करके डालें कि हर एक कलियाँ अलग हो जाए, और जब फ्राई करने के बाद ना बहुत ही क्रिस्पी बने, ठीक है। तो गार्निशिंग के वक्त भी ना ये बहुत अच्छा लुक देगी। तो चलिए, खैर यहाँ पे जब तक मेरा प्याज लाल हो रहा है, साइड में ना मैंने अदरक चढ़ा दिया था, पानी में थोड़ा सा जीरा डाल दिया है और हरी धनिया, पुदीना, एक बड़ी इलायची, 2-3 छोटी इलायची। इन चीज़ों को डालने के बाद ना आप इसे ढक के रख दें कि जो पानी में है ना उबाल आ जाए, ठीक है। जब तक मेरा पानी में उबाल आ रहा है, मैं यहाँ पर रिटर्न आ गई हूँ, और जो प्याज है मेरा, इसे कंटिन्यूसली आपको चलाते रहना है कि वो जले ना और जो है अच्छे से पूरा जो प्याज है इस तरीके से सुर्ख हो जाए। उसके बाद ना आपको थोड़ा प्याज निकाल लेना है, ठीक है, वो बाद में काम आएगा। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा प्याज निकालने के बाद, अब देखिए बहुत से लोग ना प्याज जब लाल हो जाता है ना उसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं कि प्याज जो आपका सॉफ्ट हो जाए, लेकिन मैं पानी नहीं डाल रही, मैंने एक प्याज को पीस लिया था, तो बस वही पीसा हुआ प्याज में डाल रही हूँ। उसके बाद 4 जो है मीडियम साइज के टमाटर भी मैंने पीस लिए थे, ठीक है, तो वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। आप चाहे तो टमाटर जो है कट करके डालें, लेकिन कोशिश करिए कि जो पीस के डालेंगे ना उसकी बात ही अलग होती है। तो चलिए, यहाँ पे ना मसाले को आपको भूनना है, जो टमाटर है और जो प्याज का कच्चापन है वो चले जाए। तो बस ये जब तक भून रहा है, यहाँ पे मैंने
चावल भी निकाले, चावल जो है ना मैंने प्याले से निकाले तो तकरीबन ये 2 किलो तक चावल था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बासमती चावल लिया और इसे धो के अब मैं इसे रख दूंगी। दरअसल ये काम मुझे पहले करना चाहिए थे लेकिन इतना ज़्यादा काम था कि मैं ये करना भूल गई थी। तो आप कभी भी बिरयानी वगैरह बनाए ना तो चावल पहले से भिगो के रख देंगे ना तो बहुत ही खिले खिले और खुले खुले बनेंगे, ठीक है। तो खैर मैं यहाँ पर जब तक मसाले वगैरह भून रहे हैं तब तक मैंने वहाँ पर चावल भी धो के और भिगा के रख दिए। तो चलिए यहाँ पर मेरा अदरक लहसुन और टमाटर प्याज वगैरह अच्छे से भुन गया। तो अब मैंने यहाँ पे 2 पैकेट एवरेस्ट मसाला चिकन बिरयानी मसाला डाल रही हूँ, ठीक है। उसके बाद 2 चम्मच भर के मैंने डाला था धनिया पाउडर, 1 चम्मच भर के मैंने डाला लाल मिर्च पाउडर, ठीक है। अब 1/2 चम्मच मैंने यहाँ पे हल्दी डाल दिया है, 1 चम्मच जीरा पाउडर डाला है और 1/2 चम्मच के आसपास था सौंफ का पाउडर। सौंफ का पाउडर मेरे पास ख़त्म हो गया था तो इस वजह से मैंने थोड़ा ही डाला था। अब इन चीज़ों को अच्छे से डालने के बाद ना इस स्टेज पर आपको बहुत अच्छे से इसकी भुनाई कर लेनी है। मैरिनेशन के वक्त दीजिए जो मैंने दही डाला था वो वाला पानी बच गया था, बस आपको वही यहाँ पे डाल देना है तो इससे कलर भी बहुत अच्छा आ जाएगा और आपके जो उसका अर्क उतरा हुआ है ना उससे टेस्ट इसका बहुत बेहतरीन हो जाएगा। अब मैंने ना यहाँ पे खोपरा और काजू को भिगा के रखा था, उसका भी फाइन पेस्ट बना के यहाँ पे शामिल कर दिया। देखिए ये बिल्कुल भी ऑप्शनल है, ये उसी वक्त डालें आप जब आपको ज़्यादा बिरयानी बनाना और ज़्यादा लोगों के लिए बनाना है। अगर आप कम बिरयानी बना रहे हैं ना तो इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सिर्फ ना ग्रेवी बनाने के लिए काम आता है, मतलब आप जब आपको ज़्यादा ग्रेवी वाला चाहिए या मसालेदार चाहिए ना तभी आप ये डालें। अगर आप कम बना रहे हैं तो इसकी ज़रूरत बिल्कुल भी आपको नहीं पड़ेगी। तो चलिए मैं यहाँ पे ये डालने के बाद इसकी भी भुनाई जब तक कर रही हूँ, मेरा पानी गर्म हो गया है। यहाँ पे मैंने जो चावल भिगा के रखा था वो भी शामिल कर दिया। नमक जो है तकरीबन 4 बड़े चम्मच मैंने डाले थे, नमक आप ज़्यादा ही डालें इससे कोई परेशानी नहीं होती, कभी भी नमक ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए जब तक चावल मेरा उबल रहा है, ठीक है, अब मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं इस साइड मैंने मसाला भी बिरयानी का रख दिया, ये भी माशाल्लाह भुनने पे और क्या खुशबू आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा घर जो है महक उठा है। अब स्टेज पे ना आपको अच्छे से चलाते रहना कि जो मसाला है वो नीचे लगे ना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि लग जाता है और ये ऐसे पतीले में तो अक्सर लगता है, तो आप कोशिश करें कि इसे मिक्स करते रहें। उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मसाला मेरा अच्छे से भुन गया, जो है तरी ऊपर आ गई है। अब मैं इसमें दही शामिल कर दूंगी और 1 चम्मच भर के मैंने यहाँ पे घर का जो गरम मसाला पिसा हुआ था वो डाला है। तो ये है मेरा बिरयानी मसाला पूरी तरह से रेडी हो गया है। अब मैं यहाँ पे धनिया पत्ती डाल दे रही हूँ। धनिया पत्ती मैंने जितनी भी काटी थी ना आधी मैं यहाँ पे डाल दी और आधा जो है मैं बचा के रखी हूँ। अब आप फिर से 1 से 2 मिनट अच्छे से इसे भून के साइड में रख दे। तो एक साइड मेरा मसाला भून रहा है और एक साइड जो है चावल मैंने बॉईल करने रख दिया है, ठीक है। तो ये सारे काम हो ही रहे थे उतने में मेरे जो मेहमान हैं वो आ चुके थे। खैर कोई बात नहीं, मैंने इतने जल्दी जल्दी करने की कोशिश की थी कि क्या बताऊँ। उसके बाद इस स्टेज पर ना अब आपको क्या करना है, नमक मिर्ची वगैरह सब कुछ देख लेना है कि कुछ कम ज़्यादा तो नहीं है। अगर कुछ कम है तो आप उसे आराम से बैलेंस कर सकते हैं, तो आप आराम से अपना जो भी है डाल लें। अब देखिए मसाला मेरा भुन गया था, मैंने थोड़ा सा हरी मिर्ची डाल दी थी, फिर फ्राइड चिकन डालना है और आपको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसे मिक्स करके फिर से भून लेना कि जो चिकन है उसमें अच्छे से मसाला जो है कोट हो जाए। तो चलिए ये सारे काम मेरे जब तक हो रहे थे यहाँ पे ये लोग आ चुके थे। कोई बात नहीं, भाई अभी नहीं आया था, ये आ गए थे, घर के ही लोग हैं, कोई बात नहीं, बाहर के होते तो बहुत टेंशन होता था। फिर इनके आने के बाद मैं थोड़ा सा बैठ गई, लोगों के साथ में नाश्ता वगैरह करने लगी। उसके बाद अब मैं आ गई रिटर्न यहाँ पर, फिर से मैंने कैमरा ऑन करने भूल गई थी। तो पहली लेयर जो है चावल बॉयल करने के बाद मैंने अच्छे से पानी उसका निकाल के अब मैंने पहली लेयर जो है मसाले की डाली थी, आपको वो दिखाना मैं रह गई थी। तो पहले आप कोशिश करिए कि पहले लेयर जो है ना आप मसाले की डालें, फिर चिकन की डालिए, ठीक है, उसके बाद फिर से मैंने मसाले की डाली है। तो इससे क्या होगा, जो नीचे वाला पोर्शन होता है ना वो जलता नहीं है, मसाला और भी भुन जाता है और बिरयानी और भी मज़ेदार हो जाती है। तो बस इस तरीके से मैंने 2 तह जो है वो परतें अच्छे से जमा ली थी, फिर लास्ट में मैंने ये जो मसाले हैं ये डाल दिए और कुछ फ्राइड चिकन मैंने निकाल लिए थे वो डाल दिए। उसके बाद ऊपर से मैंने चावल डाल दिया और चावल आप देख सकते हैं कि मेरा कितना खिला खिला और खुला खुला चावल है। अब इन चीज़ों को डालने के बाद ना आपको अच्छे से परत लगा लेनी है। आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से लगाने के बाद ये देखिए इस तरीके से आपको थोड़ा सा हिला के एक बराबर कर लेना है। और उसके बाद जो मैंने फ्राइड अनियन था अब ऊपर से ये डाल दें। अच्छा यहाँ पे ना टिक्का बिरयानी का प्रॉपर कलर देने के लिए मैंने दूध में केसर डाल के भिगो के रख दिया था, तो उससे जो दूध का कलर बहुत अच्छा हो गया था। तो ये जो पीला कलर आपको दिख रहा ना ये वही है, वो डालने के बाद मैंने ऑरेंज फूड कलर डाला है, ठीक है। ये दोनों कलर डालने के बाद अब आपको इसे अच्छे से ढक के रख देना है। तकरीबन मैंने 15 से 20 मिनट तक लो फ्लेम पे रख दिया था। और ये देखिए ये थोड़ा सा फ्लेवरिंग के लिए मैंने डाला है केवड़ा, आप डालें या स्किप कर सकते हैं।
तो अब आप देख सकते हैं मेरी बिरयानी पूरी तरह से रेडी है। दम लगाने के बाद ही आप हरी धनिया और पुदीना डालें, वरना क्या हो जाएगा, जो हरी धनिया पुदीना अगर आप पहले डाल देंगे, इससे पहले मैंने पहले डाल दिया था ना, तो भाप की वजह से ना वो काला पड़ गया था और लुक जो है बहुत ख़राब लग रहा था यखनी पुलाव का, अगर आपको याद होगा। तो इस वक्त मैंने सोचा ये गलती नहीं करूँगी, तो मैंने पहले दम लगा दिया, उसके बाद मैंने धनिया पुदीना डाला और इतनी बेहतरीन बनी थी बिरयानी कि मैं क्या बताऊँ। तो खैर यहाँ पर मेरी बिरयानी भी रेडी होगी, साथ ही में मैं फटाफट ये देखिए जो कबाब है वो भी तल ले रही थी। ये देखिए मेरे बड़े मज़े के कबाब, बहुत से लोग ना कबाब में आलू या अंडा भी डालते हैं, लेकिन अगर शामी कबाब आप देखते होंगे कि वो दरअसल ना शामी कबाब में ये चीज़ें नहीं डाली जाती है, तो मैंने इन चीज़ों को अवॉइड किया। लेकिन अगर आपकी अच्छी सी नहीं बन रहा है, टूट रहा है, तो आप उस वक्त डाल सकते हैं, लेकिन मेरा बहुत ही परफेक्ट बना था, बिल्कुल भी टूटा नहीं था। तो ये देखिए मेरा शामी कबाब भी रेडी हो गया है, बिरयानी भी रेडी हो गया। अब मैं सोच रही थी कि बच्चों के लिए भी कुछ बना लेती हूँ, तो यहाँ पर मैंने फटाफट रख दिया पास्ते के लिए पानी, उसमें डाल दिया था 1 चम्मच भर के नमक और थोड़ा सा मैंने तेल डाला। उसके बाद ये देखिए मैंने ढेर सारा पास्ता डाल दिया है, क्योंकि बच्चे भी थे, बच्चे कभी तीखा पसंद करते कभी मीठा, तो और बच्चे हैं तो शौक से पास्ता खाना भी पसंद करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है, पास्ता मेरा बॉईल हो चुका था, कढ़ाई में मैंने डाल दिया है बटर, फिर इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ लहसुन डाला था और थोड़ा सा ज़ीरा। तो ये देखिए डालने के बाद ना आप 2 से 3 मिनट तक इसे अच्छे से भून ले कि जो लहसुन का कच्चापन है वो चला जाए, ठीक है। तो ये देखिए थोड़ा सा कलर जो है चेंज होना स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पर अच्छा फ्लेम आप लो ही रखिए, ये सारी चीज़ आप लो पे करें, ठीक है। अब मैं यहाँ पे प्याज डाल रही हूँ, प्याज का कलर आपको चेंज नहीं करना है, बस थोड़ा सा सुनहरा हो जाए। तो आप देख सकते हैं प्याज का कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया, आप इसे कंटिन्यूसली चलाते रहें। अब मैं यहाँ पे तकरीबन 2 चम्मच भर के डाल रही हूँ कॉर्नफ्लावर, ठीक है। अब इन चीज़ों को डालने के बाद ना आपको बहुत अच्छे से इसे मिक्स करना है कि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना आए। तो बस यहाँ पे मैंने इसकी भी भुनाई कर दी है और कॉर्नफ्लावर जो है अच्छे से मैंने भून लिया। ये देखिए क्रीमी टेक्सचर आने के लिए मैंने अब यहाँ पे 1 कप भर के दूध डाली हूँ, और यहाँ पे आपको अपने हाथों को नहीं रुकाना है, कंटिन्यूसली चलाते रहना चलाते रहना चलाते रहना। तो इससे क्या होगा ना, आपका जो लम्स है नहीं आएगा, गुठलियाँ नहीं पड़ेगी। बहुत से लोगों का ना गुठलियाँ पड़ने लगती है, उसकी वजह ये होती है कि आप जो है चलाते नहीं है, या तो आप फ्लेम जो है बहुत हाई पे कर रहे हैं, ठीक है। मीडियम पे करिए, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएगी। इन चीज़ों को मिक्स करते हुए मैं यहाँ पे चिली फ्लेक्स, मिक्स हर्ब और काली मिर्च का पाउडर डालने के बाद मिक्स कर लिया है और खूब सारी चीज़ डाल दी। बच्चे हैं तो चीज़ तो पसंद करेंगी, ठीक है। और मैं बना रही थी वाइट सॉस पास्ता। तो देखिए मैंने बहुत सारी चीज़ डालने के बाद अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर दिया, और आप देख सकते हैं बिल्कुल भी यहाँ पे लम्स नहीं आया। उसके बाद यहाँ थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर डाल दिया था पास्ता मसाला, आप चाहें तो ये बिल्कुल भी स्किप कर दे, ठीक है। तो ये देखिए बहुत अच्छा बन गया है, अब आपको अच्छे से चला लेना है। तो यहाँ पे मेरा झटपट सा वाइट सॉस पास्ता भी रेडी हो गया बच्चों के लिए। तो चलिए पास्ता भी मेरा रेडी हो गया। तो मैंने कोशिश की थी कि आज के दावत में मैं हर किसी के फरमाइश के हिसाब से बनाऊँ, कुछ भी कमी ना रहे, बच्चों को भी पसंद आए बड़ों को भी। तो पास्ता ऐसी चीज़ है कि बच्चों को लाजमी पसंद आती है ना, तो मैंने ये बना लिया है और आपको मैं निकाल के दिखाना चाहूँगी। ये देखिए कितना बढ़िया मज़े का बना है। अच्छा जो ये सारी चीज़ें मैंने बनाई है ना, इसकी वजह ये थी कि ये लोग आने वाले थे सिर्फ और सिर्फ मेरे बर्थडे के लिए, लेकिन ये लोग मुझे बताना नहीं चाह रहे थे, इस वजह से इन लोगों ने कैंसिल कर दिया था। खैर कोई बात नहीं, ये लोग आ गए थे और मुझे सरप्राइज़ ही सही, मेरा बर्थडे भी बन गया और दावत भी हो गई, तो ऐसे में बहुत मज़ा आ गया था। तो ये देखिए मैं बिरयानी मेरी रेडी हो गई है और मैं अब आपको निकाल के दिखाना चाहूँगी। देखिए कितने खिले खिले चावल है, टिक्का बिरयानी पूरी तरह से रेडी है और इतनी डिलीशियस बनी थी ना, बहुत मज़े की बनी थी। यूँ समझिए जितने लोग थे ना, हम सब इतना एंजॉय करके खाए ना, आप भी ज़रूर बना के देखिए। मैंने कोशिश की थी कि बहुत ही आसान तरीके से बनाऊं और इतनी मज़े की बनी थी, पूरे घर को पसंद आई, स्पेशली मेरे भाई को बहुत ज़्यादा पसंद आई। वो ना दावत में जाके आया हुआ था, फिर भी उसने खाना खाया और कह रहा था आप बहुत मज़े की बनाई हो। तो एक बार यकीन मानिए आप भी बनाइए। अच्छा यहाँ पर सारी चीज़ें करने के बाद ना, ये जो वीडियो है ना, ये मेरी कल की क्लिप है जब ये लोगों ने सरप्राइज़ बर्थडे प्लान किया था। तो ये जो है मेरे हस्बैंड ने मुझे नीचे बुलाया कि आ जाओ नीचे, आ जाओ शायन का कपड़ा लेके, और शायन ने पॉटी कर दिया, तो मैं उस वजह से नीचे गई और मुझे पता चला कि यहाँ पे कुछ केक वगैरह अरेंज किया गया है। तो खैर यहाँ पे मैंने केक वगैरह कट किया। अरे फुक तो मार बेंटल। ये मोहम्मद ताली मार। Happy birthday to you. Happy birthday. Oh my God. Happy birthday.
चल कल रात की क्लिप थी जब हम लोगों ने बर्थडे सेलिब्रेट किया था नीचे, ठीक है। उसके बाद ये देखिए भाई लोग भी आ गए थे, भाई बहन ये लोग घर पे आने के बाद, ये सारी दावत वाली क्लिप है। तो ये लोगों ने मुझे सरप्राइज़ दे दिया था, लेकिन खैर मुझे थोड़ा सा ये था कि ये लोग आने वाले हैं, बट ऐसे सडनली कैंसिल करने के बाद मैं बहुत आराम से बैठ गई थी। पर कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो भी अचानक से किया सब कुछ बहुत बेहतरीन हुआ था। आप देख सकते ये सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से रेडी की थी और बहुत ही बढ़िया बनी थी। तो बस देर किस बात की, आप भी बनाइए खाइए और ये देखिए हम किस तरीके से इंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। और ये देखिए ये कुछ नालायक लोग हैं जो मेरी मजे ही ले रहे थे। बस बस ये क्या है ये, ऐसा कोई सरप्राइज। ये लोग भी सरप्राइज केक लाए थे, उसे भी मुझे कट करना था। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर, हैप्पी बर्थडे। बस ये थी छोटी सी क्लिप जहाँ पे मैंने अपने बर्थडे को अच्छे से सेलिब्रेट किया अपने फैमिली के साथ में। और उसके बाद ये लोगों ने जो दिल से तोहफा लाए थे उसे एक्सेप्ट किया और बहुत ही अच्छा तोहफा था। तो ये वक्त ऐसा था ना कि मुझे मेरी जो दिन भर की थकान थी, मैंने जो भी बनाया जो भी किया इन लोगों के लिए, ऐसा लग रहा था बस बहुत अच्छा लगा। मतलब उसके बाद ये सारी चीज़ें देखने के बाद और भी मेरा दिल खुश हो गया। तो ये देखिए ये कुछ थे जो अम्मी की तरफ से और बहन की तरफ से, बड़ी बहन छोटी बहन भाई ये लोगों ने जो लेके आए थे ना, मुझे बहुत मज़ा आया। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद मैंने सोचा चलो आपके साथ भी शेयर कर दूँ। और ये जो छोटा सा बॉक्स दिख रहा था, लेकिन जब मैंने इसे ओपन किया ना, यकीन माने मुझे इतना पसंद आया ना। ये दरअसल हम जब लोनावला गए थे ना, वहाँ पर मुझे तुबा की सैंडल बहुत पसंद आ रही थी, उसने जो जूती पहना, तो मैं बाबा कहती हूँ मुझे जूती दे दो मैं आज पहन लेती हूँ। तो वो बच्ची को इतना याद था कि आप ही को ये वाली जूती बहुत पसंद है, तो उसने गिफ्ट में बस वही ले आई। तो बड़ी आप ही ने गिफ्ट में बस वही जूती मुझे दी, और मुझे इतना देख के खुश हुई ना, मैं बार बार उसे कह रही थी। और इत्तेफाक से वो जूती जो है ना मेरे ड्रेस पे मैच हो गई जो मैंने पहन रखा था। और उसके बाद ये प्यारा सा जो ड्रेस था वो छोटी बहन ने लाया था, और इतना अच्छा लगा मुझे ये ड्रेस देख के मुझे। और ये कलर ना, ये जो कलर है मेरा फेवरेट कलर है। तो ये सारी चीज़ें बहुत मुझे पसंद आई, आप सभी को दिल से थैंक यू, शुक्रिया, ठीक है। और आप बताएं आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, आज की रेसिपी अच्छी लगी तो शेयर और सेव कर लीजिए। थैंक यू।